साथियों नमस्कार। आज की और एक इम्पॉर्टेंट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या है, प्लिंथ बीम नहीं है, ये सिर्फ कंक्रीट बेड है, सीसी बेड है, पीसीसी बेड भी कह सकते हैं, प्लेन सीमेंट कंक्रीट बेड है। सीसी जो रोड हम बनाते हैं, देखो उस तरह के बेड डाले, इसके अंदर कोई लोहा नहीं है। कॉलम डालने के बाद ये वाला वर्क शुरू किया था। ऑल क्रेडिट गोज टू द हाउस ओनर ऑफ दिस हाउस। देख जैसे कि यहाँ पर बेड कैसे डाले गए, आपको देख सकते हैं कितना क्यूरिंग का कितना ख्याल रखा गया। यहाँ पर कंटिन्यूस 24 आवर्स का क्यूरिंग किया जा रहा है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, कॉलम टू कॉलम जहाँ पे भी आपका दीवार आ रहा है उस जगह पे जो है ना, इस तरह से वर्क किया हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये सेपरेटेंट के लिए है और ये सीसी बेड आया आपका, प्लेन सीमेंट कंक्रीट बेड ये वाला। और इसके अंदर मैं सबसे बेस्ट बोलो, अगर आप चाहे वो सीसी बेड डाल रहे हो कुछ भी, उसके अंदर रॉड का इस्तेमाल ज़रूर कर लीजिएगा। बिकॉज इतना सब तो काम आप कर ही रहे हैं, तो इसके अंदर आप अगर रॉड का यूज़ करें तो और बेटर रहता है। और जहाँ जहाँ पे भी आपका दीवार आते हैं उस जगह पे जो है ना, सीसी बेड का इस्तेमाल किया हुआ है। एंड स्पेशली यहाँ पर जो यूज़ हुआ, देखो ये वाला चीज़ यहाँ पर दीवार आ रहा, तो इस प्लेस में आपको कंपलसरी एक बेड डालना जरूरी आवश्यकता है। प्लिंथ बीम डालना बहुत ज़रूरी था यहाँ पे, एंड काम भी बहुत अच्छा नीट किया हुआ है इधर। नाइन बाई 18 इंच कॉलम साइज। के अंदर देखिएगा, 16 mm का 4 रॉड इस्तेमाल किया गया, 8 रॉड है टोटल, 4+4। ये 9x18 इंच कॉलम साइज। एंड इसके नीचे अगर आप बना रहे हो तो इसके नीचे ना आप जो सीमेंट के थैले रहते, देखो वो रख के आप बेड डाल दिए, आपका सीमेंट का पानी जो रहता है वो नीचे नहीं जाएगा, वो एक एडवांटेज मिल जाएगा आप लोगों को। एंड यहाँ पर कुछ लोग कुछ गलती कर बैठते हैं, जैसे अभी यहाँ पर धुमुस करना बाकी है। मिट्टी आप डालते, देखो मिट्टी डालने के बाद एक प्लिंथ बीम के लेवल से भी ना एक 2-3 इंच नीचे रहना चाहिए। बिकॉज अगर आप फुल कंक्रीट बेड डाल रहे हैं उस वक्त आप लोगों को हेल्प हो जाएगा। कंक्रीट बेड और आपका जो सीसी बेड या फिर प्लिंथ लेवल है ना, एक साथ आना चाहिए। ओके, धन्यवाद। यही मैं बताना चाह रहा था इस वीडियो में। और किसी में सवाल आता, क्या हम सीसी बेड और कॉलम एक साथ डालें या कॉलम डालने के बाद सीसी बेड डालें? मेरा सजेशन है सीसी बेड डालने के बाद कॉलम रेज करिएगा तो अच्छा सा ग्रिप पकड़ लेता, नहीं तो इधर मतलब सेपरेशन जैसा हो जाता है। तो धन्यवाद।